नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं शंभू बॉर्डर से, जहां पर हजारों की संख्या में जो किसान हैं वो इकट्ठे हो गए हैं और हरियाणा पुलिस की तरफ से लगातार जो आंसू गैस के गोले हैं वो दागे जा रहे हैं किसानों के ऊपर। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को जहाँ तक भी देख रहे हो इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो लगातार इकट्ठे हो रहे हैं शंभू बॉर्डर पर, सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में जो किसान हैं वो लगातार शंभू बॉर्डर पर इकट्ठे हो रहे हैं ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ, युवाओं के साथ आगे बढ़ने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ से हरियाणा सरकार ने जो इंतज़ाम किए हुए हैं उसको देखते हुए फिलहाल हर रणनीति बनाई जा रही है कि आखिर किस तरह से इस बैरिकेटिंग को पार किया जाएगा, आखिर किस तरह से जो किसान हैं उनको यहां से खदेड़ा जाए। इसलिए आंसू गैस के गोले लगातार छोड़े जा रहे हैं, लगातार जो किसान हैं उनके ऊपर आंसू गैस के जो गोले हैं वो लगातार छोड़े जा रहे हैं हरियाणा पुलिस की तरफ से। ये देखिए आवाज़ें आपको आ रही होंगी, आंसू गैस के जो गोले हैं वो देखिए लगातार छोड़े जा रहे हैं हरियाणा पुलिस की ओर से। ड्रोन से निगरानी की जा रही है और किसानों को रोकने के लिए जो ड्रोन है ये देखिए बढ़ना शुरू हो गए हैं किसान आगे की ओर, और आगे की ओर बढ़ना शुरू हो गए हैं किसान। अब देखना होगा कि आखिर क्या कुछ रणनीति रहती है। एक बार सुन लेते हैं किसान नेताओं को आखिर क्या कुछ कह रहे हैं। इतने बड़े आंदोलन कोई ऐसा रूप ना दे दिए नुकसान हो जाएगा। आप लोगों ने चल भाई और आप देख सकते हैं कि लगातार आगे की ओर बढ़ते हुए जो किसान हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। लगातार जो किसान हैं, किसानों भी नौजवान मन मर्जी ना करा, लगातार जो गोले हैं वो दागे जा रहे हैं। वो देखिए वहां पर जूम कर दिखा दे, लगातार जो आंसू गैस के गोले पीला पीछा हो जो अग्रेसिव मोड में ना रहो, किसान है उनको तितर बितर किया जा सके, इनको यहां से हटाया जा सके। लेकिन अभी भी जो युवा किसान हैं, किसान मोर्चे के जो लोग हैं, जत्थेबंदियों के जो लोग हैं, वो लगातार ये देख सकते हैं आप कि आगे की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए किसी साथी को यहाँ पर चोट भी लगी है, बम लगा है। कौन सा जो आंसू गैस वाला, आंसू गैस का जो बम है बताया जा रहा है वो लगा है इनके पैर में, आगे की ओर बढ़ रहे थे। और ये देखिए लगातार एक किसान है वो आगे बढ़ रहे हैं। जब तक हमारे लीडर नहीं गए हम कुछ नहीं करेंगे। क्या नाम है आपका, कहाँ से? हम राजपुरा से। क्या नाम है? मेरा नाम गुरप्रीत है जी। गुरप्रीत भाई अभी आगे बढ़ रहे थे बैरिकेडिंग क्रॉस कर रहे थे। नहीं नहीं, शांतिपुर कुछ नहीं कर रहे थे भाई, अपने अपने यहाँ पे सभी पब्लिक अभी कुछ नहीं कर रहे थे। जब तक हमारी जत्थेबंदियों की कॉल नहीं आएंगे, हमारे लीडरों की कॉल नहीं आएंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। उन्होंने शांतिपुर में बैठे के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े, मेरे अकेले के नहीं लगे, काफी जनता के लगे। कितने गोले छोड़े लगे उन्होंने? पंजाब गोले छड़े भाई, पंजाब गोले, पंजाब गोले ने पर दुखी हो गए लोग को ज्यादा, और बजा बजा बजे लता भन दिया बजा बजा की बजा अखा बजे। तो इसका मतलब उन्होंने तैयारी पूरी कर रखी है, तैयारी फुल तैयारी होना की। तो वो तो लड़ना चाहते नहीं हम तो शांति को, हमें क्या लड़ना नहीं भाई, ने लड़ने पर तैयार हो गए ने मिलिट्री वाले, ने मिलिट्री वाले प्रण कर रहे हैं। हम तो हमें वैन शांति रखे भाई, लड़ना नहीं बिल्कुल भी। आप उधर जो हमारी पहला बार आप कर दे भाई, जो हमारे बार मोरी बंदे करेंगे, हमारे हमारे जो नौजवान हैं ना आंसू गैस से डरने वाले नहीं है। थ्रू थ्रू गए तीन डरते लोग, अरे वो है भी ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੂਰਾ ਤਾਂ ਮੈਂ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਧਰਮਗੜੋਂ ਆਇਆ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਹੈ ਧਰਮਗੜ੍ਹ ਸੇ ਆਏ ਹੋ, ਔਰ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੜੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ।
यहाँ पर छोड़े गए हैं हरियाणा पुलिस की तरफ से। मेरी आप सबको सहायता करें, इस वीडियो को देख रहे हैं इसके साथ के साथ जरूर शेयर करें। लगातार आज भी आपने दुनिया का बहुत बड़ा आंदोलन, अगर हम आंदोलन सफल ना कर सके किसी भी वजह से आने वाली दुनिया पर माफ नहीं करने की। अब्बा ने सेध देनी है, दुनिया आपकी तरफ देख रही है, दुनिया के सबसे हॉट पॉइंट के प्रजपा बैठे हैं, जहां आज पूरे देश की निगाह है वहीं पूरे वर्ल्ड की निगाह आप लोगों के ऊपर है। कोई भी साथी जल्दबाजी मत करियो, ये आंदोलन भी आपकी मना के आपकी इच्छाओं के अनुसार खड़ा होया है, इसकी सफलता भी आप लोगों के हाथ में है। लीडरशिप कुछ नहीं कर सकती, लीडर शब्द रणनीति बना सका है। आंदोलन सफल बनाना, आंदोलन मजबूत करना, जहां आप लोग लख की गिनती के अंदर यहां आकर अपने इस आंदोलन मजबूत करे, वहीं इस आंदोलन सफलता तक पहुंचाने वास्ते आप लोगों के संयम की जरूरत है। नौजवानों, जो आंदोलन ही आप लोग कर गए, बुजुर्ग ने अपनी जिंदगी पास कर ली, लेकिन आने वाले समय के अंदर जो आर्थिक लड़ाई का आंदोलन आप लड़ रहे हैं, जो आप लोगों के संयम के ऊपर, मेरी अपील है पुरजोर, आप लोगों की लीडरशिप वो लीडरशिप सांस आने में जो कोई बैरिकेड की जान की बाजी लाने से डरने वाली लीडरशिप नहीं है। आप लोगों ने पिछले आंदोलन में भी देखा, आज भी देखने को मिलेगा। लेकिन मेरी बेटी है, आप सभी के साथ।